ग्रीन हाउस के अंदर में आजकल स्मार्ट कृषि का युग है, जिसके अंतर्गत तरह तरह की मशीनरी, सेंसर्स, आईओटी और नई नई तकनीकें जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स इत्यादि का इस्तेमाल कर करके एक स्तर पर या वर्टिकल फार्मिंग द्वारा ग्रीन हाउस के अंदर में किसान भाई व्यावसायिक तौर पर तरह तरह की उच्च मूल्य की सब्जियां, नर्सरी फ्लावर्स इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस है, जिसके अंतर्गत इसमें स्मार्ट कृषि को खास करके किस तरह से किया जाए इसका उदाहरण पेश किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा किस तरह से 5 से 6 लेयर में हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा खास करके हरी पत्तियों वाली सब्जियां, नर्सरी फूल इत्यादि का उत्पादन सालों भर कर सकते हैं। इस तरह की व्यावसायिक खेती के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस। 1000 वर्ग मीटर का वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस इस तरह की व्यावसायिक खेती, जो कि स्मार्ट कृषि हो, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग पर नियंत्रित खेती हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के जो खेती में तरह तरह की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसमें मुख्यतः सोयललेस फार्मिंग जैसे ग्रोबैक फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, सोयल बॉर्न डिजीज एक मुख्य समस्या है ग्रीन हाउस के अंदर में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है सॉयल का इस्तेमाल ना कर करके तरह तरह के इनर्ट मीडिया जैसे कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिकुलाइट है और जल के माध्यम में न्यूट्रिएंट को जितने भी पानी में घुलनशील खाद है उसका इस्तेमाल करके प्योर हाइड्रोपोनिक तकनीक के द्वारा भी किसान भाई इसमें हरी पत्तियों वाली सब्जी खास करके जैसे इसमें सलाद का पत्ता है, पोकचोई है, पालक है, धनिया है, इसका सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक के लिए हम मुख्यतः वर्टिकल फार्मिंग नियंत्रित जो ढांचा बनाते हैं इसमें तरह तरह का फ्रेम होता है, जैसे ए फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है और इसमें 5 से 6 स्तर पर इस तरह की ढांचा बनाई जाती है कि सभी स्तर पर जल और न्यूट्रिएंट का प्रवाह सही तरीके से हो। अगर हम ग्रोबैग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी मीडिया है उसको हम ग्रोबैग में भर के या किसी बैग में भर करके सभी प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रखें। और इस तरह की तकनीक में ये चीज़ खास बात का ध्यान रखा जाता है कि जल और जितने भी उर्वरक हैं चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो उसकी जो नियंत्रित मात्रा पौधों को हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के खेती में हम कुछ आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि LED बेस्ड लाइट है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हर स्तर पर पौधों को सही रोशनी मिल सके और पौधे अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। इस तरह की खेती के लिए तरह तरह की जो सेंसर्स इस्तेमाल किया जाती है इसमें मुख्यतः वातावरण से नियंत्रित जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, सोलर रेडिएशन सेंसर है और फर्टिगेशन से जो संबंधित सेंसर है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सेंसर है, pH का सेंसर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का सेंसर है। तो इस तरह के सेंसर का इस्तेमाल कर करके और उस सेंसर्स को हम कंट्रोलर द्वारा लिंक कर करके इसका पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन कर देते हैं। और ऑटोमेशन का जो अगला लेवल है उसमें इन ऑटोमेशन को हम IoT द्वारा नियंत्रित कर करके अपने स्मार्टफोन से किसान भाई इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा लगभग 60 से 70% जल की बचत होती है, एरोपोनिक्स द्वारा 80 से 90% पानी की बचत हो जाती है और अगर सोयललेस ग्रोबैक का तेक्निक इस्तेमाल करें तो उसमें भी 60 से 70% पानी की बचत होती है और लगभग 30 से 40% जो न्यूट्रिएंट है जो खास करके मेजर और माइक्रो उसकी बचत होती है। यहाँ पर 1000 वर्ग मीटर के अंदर में हम हरी पत्तियों की लगभग 50 से 60 हजार पौध एक साथ उगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई और ग्रोअर्स को इस तरह के खेती से स्मार्ट कृषि से संबंधित जो भी जानकारी हो उसको लेने के लिए वो यहाँ आके इस तरह के मॉडल को देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को पॉपुलराइजेशन करने के लिए
हम लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की बुलेटिन बनाई हुई है, और ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के नाम से ये गूगल पर उपलब्ध है।